इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। अन्नपूर्णा क्षेत्र से बैग लूटकर भागे बदमाश को पुलिस ने उत्तराखंड के रुद्रपुर से गिरफ्तार किया है। बदमाश का एक साथी फिलहाल फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। खास बात यह है कि बदमाश उत्तराखंड से बाइक लेकर लूट के लिए निकले थे। पहले उन्होंने जयपुर में लूट की वारदात की, उसके बाद बदमाशों ने देवास में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया, फिर इंदौर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में लूट की वारदात कर फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम जाकिर हुसैन निवासी रुद्रपुर उत्तराखंड है। वह अपने एक साथी के साथ बाइक से लूट करने के लिए उत्तराखंड से निकला था। लगातार जयपुर व देवास में लूट करने के बाद इंदौर में लूट कर उत्तराखंड भाग गए थे। बदमाशों को पकड़ने के लिए करीब 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज देखे थे। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 पुलिस की टीम बनाई, जिसके बाद पुलिस रुद्रपुर तक पहुंची और आरोपी जाकिर को गिरफ्तार किया। लूटे हुए बैग से जाकिर के हिस्से में एक मंगलसूत्र आया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। जाकिर के साथी के पास से झुमके व मोबाइल बरामद किया है, वहीं आगे की कार्यवाही की जा रही है। बुड़ा में एक घटना हुई थी, जिसमें कि जो कि एक महिला 61 वर्षीय महिला चाणकपुरी से एक गणेश मंदिर की तरफ जा रही थी, तभी सुबह 6:30 बजे करीब दो अज्ञात बदमाश आए बाइक से और उनके द्वारा एक व्यक्ति उतरा बाइक से, मंगलसूत्र छीन कर ले गया। इस पर से लूट का मुकदमा कायम किया जाकर इसको इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। डीसीपी जोन 4 ऋषिकेश मीना सर की टीम ने लगातार इसे मेहनत की, टेक्निकल डाटा कलेक्ट किया गया, सीसीटीवी फुटेज भी इसके देखे गए। लगातार सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आरोपी आइडेंटिफाइड हुआ और ये पता चला कि आरोपी इस पर जाकिर है, जो कि उत्तराखंड रुद्रपुर भाग गया है। तो इस पर से इनकी टीम के द्वारा दबिश देकर रुद्रपुर में एक आरोपी जाकिर खान को पकड़ा और उसके अलावा उसके एक साथी को, सहयोगी को और पकड़ा। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर फिलहाल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और इनसे लूट की वारदात खुल गई है। अब इसमें और इनका पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे और पूछताछ की जा रही है।